Bollywood actress Kangana Ranaut stirred up a hornet's nest recently when she said that the freedom that India attained in 1947 was given to the nation as a handout by the British. Kangana was speaking at a media summit when she gave the controversial statement saying that India got true freedom only in 2014. People strongly criticized what Kangana said. Even police complaints have also been registered against her. Meanwhile, veteran actor Vikram Gokhale came out in support of Kangana. He said what Kangana said is true. Gokhale had to face the criticism of defending Kangana. On Friday, Vikram attended a press conference and explained his stand on this matter. Kangana ne jo kuch bola hai wo uski personal opinions hai, uske sath mera koi taluk nahi hai. Usne jo bola jiske bare mein mujhe pucha gaya, वो वक्त भी ठीक नहीं था, स्थान भी ठीक नहीं था, फिर भी पत्रकारों ने मुझे पूछा, उस पर मैंने जवाब दिया कि वॉट एवर शी हैज सेड इज करेक्ट, क्योंकि उसके खुद के कुछ कारण होंगे ऐसा कहने में, वैसे मेरे भी कारण है। कंगना की मेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन मेरी पहचान मेरे पॉलिटिकल स्टडी से है। मुझ जैसे आदमी को वाकई ऐसा लगा कि जिसे रियल फ्रीडम बोलते हैं वो 18 मई 2014 को मिला। दिस इज़ माय ओपिनियन, मानना न मानना ये आपकी मर्जी है। मेरा देश आज पूरे वर्ल्ड के सेट पे आज एक वेरी स्ट्रांग नेशन करके खड़ा हो रहा है, इसमें मुझे बहुत गुरूर है, बहुत आनंद है। ये मेरा मत है, ये किसी पे मुझे लादना नहीं है, थोपना नहीं है। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ माय आंसर। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट मोर अबाउट दिस पॉइंट। विक्रम आल्सो रिएक्टेड टू शाहरुख खान सन आर्यन खान ड्रग केस। आर्यन शाहरुख गलत जगह पे गलत सवाल, इररिलेवेंट सवाल मुझे पूछे जाते हैं, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ। फिर भी पूछा गया तो मैंने कहा, मेरा पहला जवाब ये था कि नो कमेंट्स। लेकिन नो कमेंट्स के बाद भी पत्रकार जब और कुछ अंदर आना चाहते थे, उनको मैंने तभी रोका और मैंने कहा कि आगे आप जो बोलने वाले, मुझे मालूम है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ insecurity, nobody can harm me in Bollywood, nobody, ये मैंने बोला है, कोई भी। खैर, इसका मैंने जवाब दिया है। मेरी दृष्टि में मेरा ऐसा मानना है कि आर्यन खान, शाहरुख खान, विक्रम गोखले और कोई हो, इनसे सबसे बहुत बड़ा नायक जो है वो दो चार दिन आगे पीछे हम लोगों की रक्षा करने वाला उन 21 साल का जो एक लड़का अलगतावादी जो है, दहशतवादी जो है, उसकी गोली से मारा गया, वो मेरा नायक है। इसी तरह के और बहुत मुद्दे हैं जो हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस पर मैंने बोल दिया है कि टू मी दैट बॉय हु गॉट किल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। रिसेंटली कंगना एक्सप्रेस्ड हर डिसअपॉइंटमेंट ओवर पीएम मोदीज डिसीजन टू रिपील द 3 कंटेंशियस फॉर्म लॉज।